डेली कुकिंग विद सीमी। मैंने मोटा मोटा इस तरह से काट लिए हैं। अब इसके अंदर ये कुटी हुई मिर्च। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डेली कुकिंग विद सीमी। आज हम बना रहे हैं जी टोमेटो केचप। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में टोमेटो केचप के बगैर तो अफ्तारी बच्चों की कंप्लीट होती नहीं है, तो इसलिए फ्रेश टोमेटो केचप घर पर बनाएं। 1 kg मैंने इसके लिए टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश टमाटर हैं। ये देखें, ये गोल टमाटर ज़्यादा जूसी होते हैं, इसका जो केचप है ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसके लिए 1 kg टमाटर के साथ मैंने लिए 1/2 कप चीनी, 1/2 कप मैंने सिरका ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 teaspoon जो है वो मैंने नमक ले लिया है। हसबे जायका, आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, दालचीनी का 1 बड़ा पीस ले लें, इस तरह के 2-3 जो है वो छोटे पीस ले लीजिए। हमने क्या करना है, टमाटर्स को जो है वो 4-4 पीसेस में कट करना है। और टमाटर को 4-4 पीसेस में कट करने के बाद जो है वो हम आते हैं कुकिंग स्टेप्स की तरफ। मैंने मोटा मोटा इस तरह से काट लिए हैं। अब इसके अंदर ये कुटी हुई मिर्च, नमक, दालचीनी और लहसुन, इसको मैं डाल दूँगी। और इसके साथ ही जो है वो 1/2 कप इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको कवर करूँगी मैं टमाटरों के गलने तक। तकरीबन 10 मिनट में हमारे टमाटर गल जाते हैं, तो फिर आगे 1/2 घंटा हो गया इनको हमने रखे हुए और गल गए। अब हमने इसमें से इस तरह से इलायची के जो पीस डाले थे, हमने इसमें जो दालचीनी के पीस डाले थे वो हम निकाल लेंगे इसको अलहदा से। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर, जो हमने चीज़ें डाल के बॉईल की थी ये तकरीबन ठंडा हो गया है। इसको मैं डालूंगी ब्लेंडर में और उसको ब्लेंड करूंगी। ये सारा हमने डाल दिया है और अब उसको कर लिया है ब्लेंड। ब्लेंड करते हैं इसको, टमाटर को हमने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। अब एक ये बड़ी जाली रखेंगे, उसके अंदर इस तरह से जो है इसको छान लेना, ताकि इसके जो बीज वगैरह हैं या कोई जो छिलके रह गए हैं वो इसके निकल जाए। ये तमाम जो है इसका हमने निकाल लिया, इसके बीज वगैरह जो भी एक्स्ट्रा थे छानने को अलग साइड पे रखेंगे। उसके अंदर चीनी डालेंगे। अब इसको जो है वो स्लो आंच पर तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। केचप हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जो है हम 1/2 कप सिरका डालेंगे और उसको मज़ीद जो है 8 से 10 मिनट हमने पकाना है, बिल्कुल गाढ़ा होने तक, कि ये जो है बिल्कुल केचप की शेप में आ जाए। 8-10 मिनट इसको पकाने के बाद फिर वापस आते हैं। केचप हमारा जो है वो देखिए थिक हो चुका है, जो थिकनेस हमें रिक्वायर्ड थी, जो चाहिए थी वो थिकनेस में आ गई है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी बर्तन लें। इसके अंदर ये देखिए मैंने केचप डाला है और इसको जो है इस तरह से करके देखें, ये देखिए इससे पानी अलहदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारा केचप रेडी हो चुका है। तो हम इसको बर्तन में निकालते हैं। ये मैंने एक बॉटल में भर लिया है केचप और बाकी जो इसके अंदर 1 kg टमाटर में जो है वो तकरीबन हमारा 1/2 kg केचप है तैयार हो गया है। खाएं, बनाएं, एंजॉय करें, कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। इसको आप फ्रिज में 2 हफ्ते तक आराम से, 2 से 3 हफ्ते आराम से रख के यूज़ कर सकते हैं। होममेड केचप मज़ेदार, साफ़ सुथरा, तैयार है।